नमस्ते दोस्तों, आज हम सभी हमारा 11th में जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सजीव जगत की विविधता। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में हम आज अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये वाला चैप्टर अब काफी सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन ये काफी कुछ हमें आप बताएगा इसके बाद आने वाले कुछ 3 चैप्टर्स के बारे में, जिसके बारे में हमें अब यहाँ पे पढ़ना है कि वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, और ये वर्गीकरण अब करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, और जो वर्गीकरण हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, और के जो जीव हैं, अब जैसे प्राणी हैं या फिर जो वनस्पतियां हैं, तो इनके वर्गीकरण के लिए हमें कौन कौन सी चीजें आधार रूप अब यहाँ पे समझनी पड़ती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम इनके बीच में जो समानताएं या फिर असमानताएं होती हैं, तो हम इसको आधार मान के हम सजीवों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ये पहला चैप्टर है कि सजीव जगत की विविधता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि विविधता अर्थात क्या। तो विविधता अर्थात ये कि हम अपने आसपास देखते हैं कि जितने भी हमारे जीव हैं, ठीक है, तो सारे एक जैसे नहीं है, उनके अंदर कई ढेर सारे अंतर हमें अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो जीव जगत के अंतर पाए जाने वाले अंतर हैं, इन्हीं के आधार पे जीव एक दूसरे से अलग पड़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें जो चीजें अब यहाँ पे अध्ययन करनी है, तो काफी सिंपल से कुछ चीजें हैं कि सबसे पहले अब यहाँ पे आएगा कि सजीव के लक्षण क्या है। मतलब कि हम अब किसी जीव को अगर हम सजीव कह रहे हैं, तो उसके लक्षण क्या हैं या फिर उसकी व्याख्या क्या है। ठीक है, तो अब सजीव की व्याख्या देना ये काफी जटिल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अब जब भी हम कहते हैं सजीव, तो सजीव की व्याख्या देने के लिए हम किसी एक लक्षण का उपयोग करके हम यहाँ पे सजीव की व्याख्या दे पाना लगभग असंभव होता है। ठीक है, क्यों अब ऐसा है, चलिए देखिए। तो सबसे पहला हमारे मन में जो एक ख्याल आता है कि अगर जो जीव है वो गमन करते हैं, वो हलन चलन करता है, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो जो गमन करे वो सजीव, तो ऐसा कहना ये थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा ये हम आगे हम देखेंगे कि सपोज के हम मान लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं वनस्पतियों का, तो वनस्पतियां तो अब यहाँ पे गमन नहीं करती हैं, है ना, तो क्या हम उन्हें अब यहाँ पे निर्जीव समझेंगे? तो हम यहाँ पे वनस्पतियों को निर्जीव कहते नहीं। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे लक्षण की अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब जैसे कि जनन, कि जो जनन करे वो सजीव और जो जनन न करे वो निर्जीव, तो क्या ऐसा कहना भी सही है? तो ऐसा कहना भी अब यहाँ पे सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? ठीक है, अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वो प्रजनन करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि ये प्रजनन करने में असक्षम होते हैं, तो ऐसे समय पे क्या इन जीवों को हम निर्जीव कहेंगे? तो ये कहना भी अब यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, देखिए, और इसी तरह से हम यहाँ पे जो जीव हैं उनके लक्षणों का सबसे पहले हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम एक सजीव की व्याख्या देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सजीव अर्थात क्या। ठीक है, तो सजीव अर्थात क्या, तो सजीव के सबसे पहले हमें अब यहाँ पे लक्षण अब पढ़ने पड़ेंगे, और सजीव के लक्षण क्या क्या हैं, तो कुछ लक्षणों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर चर्चा करनी है। और ये लक्षण कौन कौन से, सबसे पहले आता है वृद्धि, फिर जनन या फिर प्रजनन, फिर आएगा उपापचय। ठीक है, उपापचय एक तरह की प्रक्रिया है जो कि उपचय और अपचय इन दो प्रक्रियाओं से मिलके बनती है। फिर आता है यहाँ पे अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन के बाद कोशिकीय संगठन, फिर आएगा पोषण, फिर श्वसन, उत्सर्जन, फिर अंत में आएगा गमन या फिर हलन चलन। ठीक है, चल देखिए, अब ये सारे जो अब यहाँ पे लक्षण हैं, इसके आधार पे अगर हमें अब यहाँ पे सजीव की व्याख्या देनी हो, तो हम यहाँ पे सजीव की व्याख्या इस प्रकार से दे सकते हैं कि सजीव वो हैं जिनके अंदर वृद्धि, जनन, उपापचय, अनुकूलन, कोशिकीय संगठन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गमन अथवा हलन चलन, इस तरह की जो लक्षण हैं वो अगर किसी जीव में पाए जाते हैं, तो उन लक्षणों का अवलोकन करके, उन लक्षणों का अवलोकन करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो हमें दिया गया जीव है वो सजीव है या फिर निर्जीव। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
बराबर, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर जो हमने सबसे पहला लक्षण हमारा अब यहाँ पे लिया गया है, तो पहला लक्षण हमने अब यहाँ पे लिया है वृद्धि, ठीक। तो वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि का हम यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से शायद हम समझते हैं कि किसी जीव के आकार, याद रखेंगे हम यहाँ पे किसी जीव के आकार, उसके आयतन में होने वाली जो वृद्धि है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे याद रखेंगे किसी जीव के आकार आयतन में होने वाली जो वृद्धि है, तो हम इसे ही अब यहाँ पे वृद्धि कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, तो अब आकार और आयतन में वृद्धि करना, तो इसे हम एक उदाहरण से हम समझें कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बालक है कि ये बालक जो होगा वो क्रम से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसके अंदर हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, उसकी जो हाइट होगी वो बढ़ेगी, उसका जो वजन होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की वृद्धि है, ठीक है। या फिर हम खुद को देखें कि अगर हम जब छोटे थे एक दो साल के, तब से लेके हमारे अब के शरीर में अब कितना अंतर आया है, ठीक है। हम अपनी पुरानी फोटो भी देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे वजन में अंतर आया है, हमारी हाइट में अंतर आया है। तो ये जो होने वाली बढ़ोतरी है हमारे आकार आयतन या हमारे वजन में, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वृद्धि, ठीक है। और इसी तरीके से जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों के अंदर भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है, तो वनस्पतियां भी अपने आकार में, अपने आयतन में तथा अपने वजन में वृद्धि करती है, ठीक है। तो वृद्धि अर्थात क्या, ये हमें समझ में आया। लेकिन अब हम तो ऐसा कहेंगे मतलब कि वृद्धि जो होती है ये केवल और केवल किस में होती है, तो वृद्धि केवल और केवल सजीवों में होती है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं इनके अंदर वृद्धि होती नहीं है। अगर हम एक उदाहरण लें किसी टेबल का, तो कोई टेबल अगर 5 साल पुराना है या फिर 10 साल पुराना, 20 साल पुराना है, तो वो शुरुआत में जैसा था अंत में भी वो वैसा ही रहेगा। तो क्या उस टेबल में वृद्धि हुई, तो उस टेबल में वृद्धि हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि वो निर्जीव है तो वो वृद्धि कर सकता नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरे भी उदाहरण लेना चाहें कि जो निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो सामान्यतः वृद्धि करती नहीं है, लेकिन कुछ अब ऐसे भी केस हैं कि जहां पे कि निर्जीव वस्तुओं में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हम किसी रेगिस्तान में जाएं, ठीक है, तो रेगिस्तान में जो रेत के पहाड़ हैं, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, तो रेगिस्तान में जो रेत के पहाड़ जो होते हैं, तो इनके आकार में अब जैसे जैसे हवा चलती है तो रेत एक जगह से उड़ के, हम यहाँ पे याद रखेंगे कि सपोज कि अब यहाँ पे ये इस तरह का एक कोई सैंड एक कोई रेत का अब यहाँ पे पहाड़ है, तो जैसे जैसे हवा चलती है तो यहां से रेत उड़ के जो बगल वाले जो टीले हैं इनके ऊपर अब यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होता है, तो अब यहाँ पे इसके बगल वाला जो टीला है इसके आकार में भी वृद्धि होती है, आयतन में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ में इसके वजन में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो अब यहाँ पे अब इसके अंदर वृद्धि तो हमें देखने को मिली लेकिन ये सजीव कहलाएगा नहीं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे उदाहरण लें कि जो हमारे जो नॉर्मल जो पहाड़ होते हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है, तो इनके अंदर भी अगर ये कोई एक पहाड़ है तो इस पहाड़ पे सामान्यतः जब भी हवा चलेगी तो अब यहाँ पे मिट्टी के छोटे छोटे कण आके अब यहाँ पे इसकी सतह पे लगेंगे, फिर बारिश आने से मतलब कि ये इसकी सतह से चिपक जाएंगे, फिर गर्मियां होने पे ये अब यहाँ पे इससे इस पहाड़ से अब यहाँ पे ये मिट्टी के कण जो होंगे उसकी एक एक करके परत जो होगी वो अब यहाँ पे लगती चली जाएगी, और इस तरह से पहाड़ जो होगा वो कई 100 वर्षों में उसके अंदर कुछ न कुछ मात्रा में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस क्या पहाड़ को हम सजीव कह सकते हैं, तो इस हम पहाड़ को सजीव कह सकते नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस पहाड़ को भी सजीव कहना नहीं, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि वृद्धि एक क्राइटेरिया है, एक ये अब यहाँ पे लक्षण है सजीवों का, लेकिन ये कुछ जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पे जरा समझेंगे कि वृद्धि की व्याख्या क्या, तो किसी भी जीव के अंदर उसके आकार
आयतन या वजन में होने वाली बढ़ोतरी। फिर से हम यहां याद रखेंगे, किसी भी जीव के अंदर उसके आकार, आयतन या वजन में होने वाली बढ़ोतरी को हम कहेंगे अब यहाँ पे वृद्धि। ठीक है, ये वाली चीज को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा लक्षण था, है ना, तो हमारा जो दूसरा लक्षण था तो वो हमने अब यहाँ पे लिखा जनन या फिर प्रजनन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा लक्षण है जिसे हम कहेंगे जनन या फिर प्रजनन। ठीक है, देखिए जनन या फिर प्रजनन का हम यहाँ पे मतलब हमने हमारी पिछली क्लासों में भी कई बार हमने पढ़ा है, तो ये हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो जनन की व्याख्या क्या है? ठीक है, जनन की व्याख्या में हम यहाँ पे याद रखेंगे, एक कोई जीव है। ठीक है, तो एक कोई जीव है, ये अपने ही जैसा अब नए जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे याद रखेंगे, एक कोई जीव जो है वो अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है, और उस जीव की इसी क्षमता को हम यहाँ पे कहते हैं प्रजनन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्रजनन में क्या होता है, तो अगर हम अपनी बात करें तो अब जैसे कोई मनुष्य का अब कोई बालक होता है तो वो मनुष्य के जैसा होगा, और इसी तरीके से अब कोई एक डॉग है, कोई एक कुत्ता है, तो उस कुत्ते का बच्चा बिल्कुल उसी के जैसा होगा। वो कुत्ते का बच्चा बिल्ली तो पैदा होगी नहीं। ठीक है, अब इसी तरह से अब कोई हाथी जो होगा, हाथी का बच्चा बिल्कुल हाथी के जैसा ही रहेगा। तो ये अब यहाँ पे हम जनन की व्याख्या हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जनन की व्याख्या अर्थात क्या, कि जीव के अंदर अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, और जीव की इसी क्षमता को हम कहते हैं जनन या फिर प्रजनन। ठीक है, तो इस व्याख्या को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जनन को सामान्यतः हम ऐसे दो प्रकारों में बांट देते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, याद रखेंगे हम एक को कहेंगे लैंगिक जनन, और जो दूसरा होगा इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है ना, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, तो ये कुछ जो चीजें हैं ये हम अपनी पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन अर्थात क्या। ठीक है, अलैंगिक जनन में सामान्यतः क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि अलैंगिक जनन में सामान्यतः एक ही जीव जो होता है वो भाग लेता है ना, कि अब अलैंगिक जनन में क्या होगा कि एक ही जीव से उसकी जो बाल कोशिकाएं हैं वो दूसरे जीव की उत्पत्ति करेंगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे एक ही जीव भाग लेता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, तो यहाँ पे दो जीव सामान्यतः भाग लेते हैं। ठीक है, तो दो जीव अब यहाँ पे क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम याद रखें कि अलैंगिक जनन की कुछ विधियां, ये हमने हमारी पिछली क्लासों में हमने अब पढ़ी थी, हमने अब पढ़ा था अमीबा के अंदर द्विविभाजन होता है ना, कि अमीबा क्या करता है कि अमीबा की ये सपोज की एक कोशिका है, ये कोशिका जो होती है वो विभाजित होके अपने ही जैसी दो बाल कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे हमने कहा था अलैंगिक जनन, है ना, तो ये यहाँ पे हो गई हमारी अमीबा की कोशिका और ये हो गई हमारी बाल अमीबा कोशिकाएं। ठीक है, तो ये वाली चीज को हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे कि अलैंगिक जनन में सामान्यतः एक ही जीव जो होता है वो भाग लेता है, उसके अंदर जीव जो होते हैं वो अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, देखिए अब लैंगिक जनन में इसके विपरीत क्या होता है, तो लैंगिक जनन में हमने कहा यहाँ पे सामान्यतः दो जीव भाग लेते हैं, कि एक जीव से ये सामान्यतः होता नहीं है, यहाँ पे दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीव, अब एक हो सकता है कि एक नर हो और जो दूसरी है वो हो मादा। ठीक है, तो नर को हम ये इस तरह का एक जो सिंबल है इससे हम दर्शाते हैं, और मादा को हम दर्शाते हैं इस तरह के सिंबल से, और यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे अपना। ठीक है, तो नर सामान्यतः इनके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं युग्मक जनन। याद रखेंगे हम इस प्रक्रिया का नाम, इसे हम कहेंगे युग्मक जनन, युग्मक जनन। ठीक है, देखिए अब युग्मक क्या होता है ना, हमें पता है कि नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, और ये जो शुक्राणु है वो नर के क्या है, युग्मक है,
और जो मादा होती है इनके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। याद रखेंगे हम यहाँ पे मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन की एक मुख्य जो अब यहाँ पे लक्षण है कि हम यहाँ पे अब ऐसा कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है। याद रखेंगे हम यहाँ पे लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती नहीं। याद रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो लैंगिक जनन में हमारे पास एक नर है एक मादा, यहाँ पे इन्होंने युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा नर ने शुक्राणु का निर्माण किया और मादा ने अंडाणु का निर्माण किया। अब क्या होता है कि ये शुक्राणु और अंडाणु की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ये शुक्राणु की कोशिका हो गई और ये अंडाणु की कोशिका हो गई, ठीक है। इन दोनों ही कोशिकाओं में एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है निषेचन, ठीक है। याद रखेंगे हम इसे, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन, ठीक है। तो शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका के अंदर एक प्रक्रिया होगी जिसे हम कहेंगे निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है? तो निषेचन में हम यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे ये शुक्राणु की कोशिका और अंडाणु की कोशिका, ये दोनों ही कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। दोनों ही कोशिकाएं क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद ये एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। याद रखेंगे हम इस शब्द को, युग्मनज, ठीक है। और ये युग्मनज जो होगा वो आगे जाके क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा, मतलब कि अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करेगा, बराबर। और ये अपनी संख्या में वृद्धि करने के पश्चात सबसे पहले भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ये भ्रूण का निर्माण करता है। और यही जो भ्रूण है वो अब आगे जाके एक नए जीव में विकसित होगा। याद रखेंगे हम इसे, यही भ्रूण क्या करेगा? एक नए जीव में विकसित होगा। और इस तरह से सामान्यतः लैंगिक जनन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। फिर से हम यहाँ पे लैंगिक जनन की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देंगे कि लैंगिक जनन में की प्रक्रिया में सामान्यतः दो जीव भाग लेते हैं, एक को नर कहा जाएगा, दूसरे को मादा। इनके अंदर युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी और युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जो होगा वो शुक्राणु का निर्माण करेगा और जो मादा होगी वो अंडाणु का निर्माण करेगी। और ये दोनों जो शुक्राणु या फिर अंडाणु हैं, इनके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं निषेचन। और ये जो निषेचन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि ये शुक्राणु तथा अंडाणु, ये दोनों ही कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद एक युग्मनज बनता है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों ही कोशिकाओं के जुड़ने से क्या होता है ना, तो अब जैसे शुक्राणु है तो शुक्राणु में अब नर का आधा डीएनए होता है और जो अंडाणु होता है इसके अंदर मादा का आधा डीएनए होता है, ठीक है। और इसीलिए ऐसा होता है कि इन दोनों के जुड़ने से जो युग्मनज की कोशिका हुई, तो ये युग्मनज की कोशिका आगे जाके भ्रूण बनेगी और भ्रूण ही आगे जाके जीव में विकसित होगा, है ना। यही कारण होता है, क्योंकि हम अब यहां युग्मनज की कोशिका में आधा डीएनए नर का है और जो आधा डीएनए है वो मादा का है, ठीक है। क्योंकि अब ये युग्मनज की जो कोशिका का निर्माण हुआ वो शुक्राणु एवं अंडाणु कोशिका के मिलन से हुआ, ठीक है। तो अब यहां पे यही कारण है कि हमारे लक्षण हमारे माता पिता के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जन की प्रक्रिया क्या हमें अच्छे से यहाँ पे समझ में आई है? तो ये जो एक प्रोसेस है इसे हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें अब यहाँ पे के अब लैंगिक जनन का एक दूसरा भी लक्षण हमें अब यहाँ पे पता चलता है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन अनिवार्य है, ठीक है। फिर से अच्छे से याद रखेंगे कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन अनिवार्य है, ठीक है। मतलब के अब यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। तो अब निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन की प्रक्रिया में हमेशा हमें देखने को मिलेगी और अलैंगिक जनन में निषेचन होता नहीं, ठीक है। तो ये कुछ जो अंतर है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के, हम यहां पे याद रखेंगे, बराबर, ठीक है। देख चलिए, ठीक है दोस्तों। तो हम यहां पे अब पढ़ रहे थे कि जनन के बारे में, ठीक है। तो जनन मतलब के जीवों का एक लक्षण है। तो अब सामान्यतः अगर हम देखें
कि जो सजीव हैं वही जनन कर सकते हैं, निर्जीव तो जनन कर सकते नहीं है। तो क्या हम किसी जीव की व्याख्या हम इस तरह से दे सकते हैं कि जो जनन करे वो सजीव और जो जनन ना करे वो निर्जीव, क्या हम ऐसी व्याख्या दे सकते हैं? ठीक, देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, याली व्याख्या देना थोड़ा सा गलत होगा। क्यों गलत होगा? ठीक है, देखिए हमारे आसपास हमने देखा होगा कुछ ऐसे कपल होते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम इन जीवों को निर्जीव कहेंगे? हाँ, तो ऐसी स्थिति में इन जीवों को निर्जीव कहना अब सही होगा नहीं। तो इसलिए हम जीव की व्याख्या किसी एक शब्द जनन से भी हम दे सकते नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहां पे हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ये वाले हमारे लेक्चर का जो होमवर्क है, तो इसके अंदर हमें आप यहाँ पे तीन क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है हम यहाँ पे जरा देखेंगे कि पहला हमारा क्वेश्चन है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। तो हमें आप यहाँ पे जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है इन दोनों के बीच में अंतर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। हमने आप यहाँ पे अब देखा कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है कि सर्वप्रथम युग्मक का निर्माण होता है, फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर एक युग्मनज नाम की कोशिका बनती है और ये युग्मनज की जो कोशिका होती है वो भ्रूण में विकसित होती है और भ्रूण जो होता है वो किसी एक जीव में विकसित होता है। तो इस तरह से हमें अब यहाँ पे लैंगिक जनन की प्रक्रिया हमें अच्छे से लिखनी है। फिर हमें अब यहाँ पे सजीव की व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो सब तो सजीव की हमने व्याख्या देखी कि हम किसी एक लक्षण से हम सजीव की व्याख्या दे सकते नहीं है, हमें उसके विभिन्न विभिन्न जो लक्षण है तो हमें उसका अवलोकन करना पड़ेगा और उसका अवलोकन करने के पश्चात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी एक जो जीव है वो सजीव है या फिर निर्जीव, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे याद रखेंगे और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि अब और ये होमवर्क करने के बाद आपको मेरे नंबर पे अब यहाँ पे इसे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो मेरा नंबर है 9173028058, ठीक है। तो इस नंबर पे आप यहाँ पे ये होमवर्क को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे अब मैं अब ये बता सकूं कि मतलब क्या आपके द्वारा दिया गया जो आंसर है क्या वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। अगर या फिर उसके अंदर कोई गलतियां होती हैं तो हम उसके अंदर कुछ सुधार कर सकते हैं।